बच्चों, आज मैं आपकी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसके अंतर्गत जो पोम है जिसका नाम है एनिमल्स, इसको समझेंगे। और इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। वॉल्ट विटमैन जो है एक बहुत फेमस अमेरिकन पोएट लिखे हैं, पोएट रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी सीधी सीधी बातों पर अपनी कविताओं को लिखा है। तो एनिमल्स जो उनकी पोम है वो बहुत ही समझने वाली पोम इसलिए है क्योंकि उनको एनिमल से, जंतु जीवों से बहुत लगाव था। उनको लगता था कि मनुष्य कहीं ना कहीं आपसी प्रतिस्पर्धा में और बहुत ज्यादा संग्रह करने की कोशिश में बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है, उसको अपने आप में खुश रहना और संतुष्ट रहना नहीं आ पा रहा। इसलिए उसको लगता था कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपने आप में बहुत खुश रहते हैं और वो पूरे जीवन का लाभ उठा पाते हैं, आनंद उठा पाते हैं। लेकिन मनुष्य कहीं ना कहीं भविष्य की योजनाओं को बनाने के चक्कर में अपना वर्तमान खराब कर रहा है और अपने उसको जीवन को नहीं जी पा रहा। कहीं ना कहीं उसने अपने पूर्वजों के बनाए हुए जो रीति रिवाज थे उनको इतना ज्यादा बांध लिया है कि उसको अपने जीवन जीने में कोई खुशी नहीं रह गई है। बहुत डिप्रेशन और बहुत ज्यादा उदासी का माहौल मनुष्य के जीवन में आ चुका है। इसलिए वो एनिमल्स को बहुत ज्यादा अच्छा समझते हैं बजाय कि एक ह्यूमन बीइंग होने के। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है अपनी इस पोम में। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। अब यहाँ पर कवि कह रहा कि मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं क्या हो जाऊं, एनिमल के रूप में टर्न हो जाऊं और लिव विद एनिमल्स, मैं एनिमल्स के साथ जी सकूं, मैं उनकी जिंदगी जी सकूं, ऐसा मैं चाहता हूं। तो ऐसा कवि क्यों चाहता है? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड। हियर द मीनिंग ऑफ प्लेसिड इज काम एंड पीसफुल, यानी वो बहुत शांत और कैसे रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो वो क्या कहता है, क्योंकि एनिमल कैसे रहते हैं, शांत रहते हैं, बहुत पीसफुल रहते हैं। सेल्फ कंटेंट मीन अपने आप में रहना और अपने आप में मग्न मगन रहते हैं। उनको सिर्फ अपनी ही फिक्र, अपने बारे में ही सोचते हैं। इसलिए वो चाहता है कि मैं कैसा हो जाऊं, एक एनिमल की तरह, और उन्हीं के साथ जी सकूं। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इसलिए मैं उनके वहां खड़ा होकर के उनको बहुत लंबे समय तक देखता रहता हूँ। वो देखता है कि बहुत सारे एनिमल्स हमेशा अपने आप में बिजी रहते हैं, उनको सिर्फ अपनी फिक्र रहती है, वो बहुत शांत रहते हैं और अपने में मगन रहते हैं। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। नो वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। नॉट वन Kneels to another, nor to his kind, they that lived thousands of years ago. अब कवि जो है, जो पोएट है, वो एनिमल को क्यों बहुत ज्यादा अच्छा समझता है? दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। मतलब वाइन का मीनिंग है कराहना, पूरे समय अपने दुखों को ही व्यक्त करते रहना, पूरे समय रोते रहना। ऐसे रहते ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं वो हमेशा दुखी ही अपने आप को फील करते हैं, हमेशा अपने आप को दुखी बताते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। तो कहते हैं कि वो ऐसा पसीना नहीं बहाते, वो ऐसे नहीं कराहते रहते अपनी कंडीशन में, वो हमेशा अपनी परिस्थितियों पर कभी भी कराहते नहीं है, दुख नहीं व्यक्त करते, जैसे हैं उसमें ही बहुत अच्छे से जीते हैं। दे डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो पूरे समय पूरी रात गलती करके उस पर रोते नहीं रहते, जो अपनी गलतियों पर पूरी रात रो रो के बिता दें, ऐसा एनिमल्स नहीं करते। मनुष्य क्या करता है, गलतियां करता है, फिर उसके पश्चाताप के आंसू बहाता है। तो पहले तो गलती करने में दूसरे को परेशान करता है और बाद में उसका पश्चाताप करने में खुद परेशान होता है। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग फॉर देयर ड्यूटी टू गॉड। और वो मुझे क्या करते, सिक नहीं करते, मुझे परेशान नहीं करते, मुझे बीमार से नहीं बनाते। क्या पूरे समय ड्यूटी टू गॉड, मतलब
मनुष्यों में आदत रहती है, ह्यूमन बीइंग्स में आदत रहती है कि यदि वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको बोस्ट करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, मैंने ये किया, मैंने ऐसा दान किया, मैंने इसको ये कर दिया, पूरे समय बताते रहते हैं, हमने भगवान के लिए ऐसा किया, मैंने अपने गॉड के लिए ऐसा किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा करके वो पूरे समय डिस्कस नहीं करते कि मैंने ईश्वर के लिए क्या किया। उनका हर कार्य जो है अपने आप में फुल रहता है, दिखावा नहीं रहता। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. अब यहाँ पर demented मतलब to lose mental balance, मतलब आप बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाएं, आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएं, आप आपके ऊपर भावनाएं इतनी ज्यादा हावी हो जाएं कि आप अपने मानसिक नियंत्रण ना कर पाए। तो यहाँ पे क्या मतलब कि कोई भी उसमें असंतुष्ट नहीं रहता, कोई भी एनिमल मुझे आज तक असंतुष्ट नहीं दिखा, और कोई भी अपना अपना मेंटल बैलेंस लूज नहीं करता। किस चीज के लिए? मैनिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मैनिया ये क्रेजीनेस, पागलपन, किस चीज का? अपने सभी वस्तुओं को अपना करने के लिए। यानी मनुष्य क्या करता है, वस्तुओं को इकट्ठा करता है, उसके संग्रह में क्या हो जाता है, उसका मेंटल बैलेंस तक लूज हो जाता है, उसको हर चीज चाहिए रहती है। एक इस पृथ्वी पर मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कभी भी संतुष्ट नहीं रहा, वो निरंतर हमेशा संग्रह करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए संघर्षशील रहा, और इससे क्या होता है, वो खुद परेशान होता रहता है। Now the second, not one kneels to another. Kneels मतलब घुटनों के बल खड़े होना। यहाँ पर कोई भी एनिमल अपने सामने किसी दूसरे एनिमल को घुटना टेक खड़े नहीं करता, मतलब कोई भी एक दूसरे को झुकाने की कोशिश नहीं करता। जैसे कि मनुष्यों में पूर्वजों से ये परंपरा चली आ रही, जो शक्तिशाली होता है, जो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है, वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। तो कोई भी एनिमल ऐसा काम नहीं करता। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, और ना इस प्रकार के कोई भी काम, ना कोई उपकार, ना कोई कुछ, जो हजारों साल से मनुष्यों में ये परंपराएं चली आ रही हैं, ऐसा एनिमल नहीं करते। वो अपने आप में बहुत काम एंड पीसफुल रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्टिवल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशंस, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कभी कह रहा है कि वहां पर कोई भी बहुत रिस्पेक्टेबल, माने जानवरों में, एनिमल्स में कोई भी बहुत सम्माननीय नहीं होता, कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी उदास नहीं होता, सब आपस में एक दूसरे के संबंधों से जुड़े हैं, लेकिन कोई भी दिखावे के लिए सम्माननीय या अनहैप्पी नहीं रहता। इसलिए दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसलिए वो मुझसे अपना सीधे संबंध बताते हैं और मैं उस संबंध को एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, मैं भी जस्ट लाइक अ एनिमल। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उन्होंने मुझे खुद को पहचानने का क्या दिया, टोकन यानी साइन, एक चिन्ह बताया, एक बताया कि हाँ मैं क्या हूं। अभी तक तो मैं मानवों की जो रेस थी उसमें अपने आप को भूल चुका था, इसलिए उन्होंने मुझे वो साइन दिया कि मैं खुद में क्या हूं। दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजिशन, एविंस मतलब टू शो समथिंग, वो मुझे ये बताते हैं कि उनका क्या है, वो अपने आप में क्या है। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन, मुझे आश्चर्य है कि वो ये सारी चीजें कहाँ से लाते हैं, कहाँ से उनके पास ये सीधी सीधी चीजें प्राप्त हुई, उनके पास कैसे आए ये साइन। कभी सोचता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, सोचता है क्या मनुष्यों ने ये सारी चीजें कहीं गिरा दी है जिन्हें एनिमल्स ने ले लिया है। यानी बहुत समय पहले, बहुत लंबे समय पहले मनुष्यों ने ये सारी चीजें जो कि जानवरों में है वो क्या कर दी, गिरा दी हैं, और अब उन जानवरों ने उन चीजों को ले लिया। इसका मतलब कि मनुष्यों में जो शांति, जो सद्भावना और जो अपने आप में और जो जीवन को आनंद रहे, आनंद सहित जीने का जो ढंग था, वो मनुष्यों ने क्या कर दिया, गिरा दिया है। लेकिन आज भी वो सारी चीजें एनिमल्स में मिल रही हैं।
ये जो पोम है ये बहुत अच्छी है कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान से संतुष्ट रहना चाहिए और भविष्य के पीछे अपने वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। ये भी जो पोम है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये भी फ्री वर्स में लिखी हुई है। मुझे आशा है बच्चों आप इसे अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे।